आज की स्ट्रगल स्टोरी में कहानी है वीरेंद्र सक्सेना की। वीरेंद्र को सरकार, सुपर 30 और दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। हालांकि उन्हें बड़ा ब्रेक महेश भट्ट की फिल्म आशिकी से मिली थी। अस्सी फिल्मों का हिस्सा रहे वीरेंद्र का यहां तक का सफर संघर्षों से भरा रहा। मथुरा में जन्मे वीरेंद्र का बचपन तंगी में बीता। पिता ड्रेनेज डिपार्टमेंट में छोटे पद पर कार्यरत थे। आमदनी कम की वजह से हर वक्त पैसों की कमी लगी रहती थी। हालांकि जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था कि 14 साल की उम्र में वीरेंद्र के सिर से पिता का साया उठ गया। पिता के गुजर जाने के बाद तंगी से परेशान वीरेंद्र ने कम उम्र में ही छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर तो कभी राजा के यहाँ चिट्ठियाँ लिखकर घर खर्च चलाया। इसी बीच एक दोस्त की मदद से एक मामूली नाटक में काम मिला। यहाँ एक्टिंग का कीड़ा ऐसा लगा कि वो एक्टिंग के गुर सीखने एनएसडी तक पहुँच गए। एनएसडी से पास आउट हो जाने के बाद उन्हें पहलाज निहलानी ने टीवी फिल्म तमस में बड़ा ब्रेक दिया। हालांकि इसके लिए उन्हें सिर्फ 1,500 रुपए मिले थे। अब वीरेंद्र के लिए थिएटर से गुजारा कर पाना मुश्किल हो रहा था। थक हार कर उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। यहाँ पर कुछ समय के संघर्ष के बाद महेश भट्ट की फिल्म आशिकी में उन्हें काम मिला। इसके बाद उन्होंने फिल्म दामिनी, जिद्दी, परदेसी बाबू और सरकार जैसी फिल्मों में काम किया। हाल ही में उन्हें भीड़ और मिशन रानीगंज में देखा गया है। आने वाले दिनों में वो अभी तक किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं बने हैं। एक दो सीरीज हैं जिनमें वो नजर आ सकते हैं।